भारतीय जनता पार्टी में कन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्हीं के पार्टी में तीन गो पावर सेंटर है। गोपाल मंडल को भी लोग जानता है, हमारे डिप्टी सीएम लोग को भी जानता है, जनता सब जानती है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जदयू में गुटबाजी चल रही है, इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था। हम विपक्ष का कहना था कि जदयू में अंतरीय घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब सहयोगी दल बीजेपी भी इस बात से सहमत है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जदयू में तीन पावर सेंटर है। साफ तौर पर देखा जाए कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह जब आए तो रोड शो किए, ललन सिंह आए तो बड़ा सा रोड शो हुआ था, और उन्होंने अब उपेंद्र कुशवाहा को एक पावर सेंटर के रूप में करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जदयू में भी तीन पावर सेंटर हैं। हम आपको बता दें कि आज सुबह जब उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी पर कहा था कि अगर बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करवाती है तो इससे बीजेपी को ही नुकसान होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो कन्फ्लिक्ट है, अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उस कन्फ्लिक्ट को दूर करें, क्योंकि उसमें बड़ा हिस्सा है जो इस राय का है कि जातीय गणना होनी चाहिए। उसमें कुछ लोग यदा कदा बोल देते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहिए, और यह इशू देश का इशू है, इसलिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार को फैसला लेना ही चाहिए कि इसी बार की जनगणना के साथ जात की गणना हो जाए। नहीं, ऐसा हम तो अभी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक निर्णय लेंगे, लेकिन मंत्री संसद में कुछ और बोलते हैं, सांसद कुछ और बोलते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विवाद है, अब उसको कैसे उसका निपटारा करेंगे यह तो उनका विषय है ना। लेकिन जेडीयू के अंदर भी विवाद है, इस विषय पर जेडीयू के अंदर कोई विवाद नहीं। नहीं सर, नेताओं को लेकर? नहीं, नेताओं को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। इस पर हरिभूषण ठाकुर का क्या बयान है, पहले ये आप सुनिए। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अच्छा बीजेपी को नुकसान होगा या किसको नुकसान होगा तो समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी नुकसान में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उपिंदर जी बोले हैं, अब तो प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे लोग डेलीगेट गए थे मिलने, अब प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे, जातीय जनगणना का निर्णय लेंगे, तो हम लोग उसी के साथ हैं। क्या लगता है, क्या पीएम और सीएम की मुलाकात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा से बयान देते हैं, किस तरीके से देखते हैं? अरे देखिए, नेता हैं, नेता को तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलते तो फिर आप हमसे पूछते नहीं। नेता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी है क्या भाजपा में? उन्होंने कहा कॉन्फ्लिक्ट है भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्हीं के पार्टी में तीन गो पावर सेंटर है, एक पावर सेंटर वो बनना चाह रहे हैं। सर अब तक गोपाल मंडल पर कार्रवाई नहीं हुआ है, वो लगातार डिप्टी सीएम पर आरोप लगा रहे हैं, वसूली का आरोप लगा रहे हैं, अब तक कार्रवाई? गोपाल मंडल को भी लोग जानता है, हमारे डिप्टी सीएम लोग को भी जानता है, जनता सब जानती है। तो आपने सुना कि हरिभूषण ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कन्फ्लिक्ट जदयू में है, वहीं तीन पावर सेंटर हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के नुकसान वाले बयान को लेकर कहा कि भाजपा को इससे कोई नुकसान नहीं है, भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और साथ ही साथ गोपाल मंडल जिस तरीके से लगातार डिप्टी सीएम पर हमलावर हैं, जिस तरीके से लगातार गोपाल मंडल कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम वसूली करते हैं, उसको लेकर हरिभूषण ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जनता गोपाल मंडल को भी जानती है और डिप्टी सीएम को भी जानती है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।